हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की मेरी DIY है हेयर पैक, हिना हेयर पैक है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए, डैमेज हो गए, डल हो गए, सर्दियों में 10 में से 8% की ये प्रॉब्लम है कि बाल हमारे बहुत ज़्यादा झड़ रहे, टूट रहे और बेजान हो गए, तो भाई हम क्या करें? सर्दियों में मेहंदी लगाना वो तो बालों में बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन थोड़ा रिस्क तो उठाना होगा। और अपने बालों को आप बहुत ही अच्छे से हेल्दी बना सकते हो, बाल झड़ना बंद हो सकते हैं और बालों को स्मूथ और शाइनिंग आप घर बैठे बना सकते हो। इस हिना पैक से आपके बाल ना सिर्फ झड़ना बंद होंगे बल्कि जड़ों से मजबूत होंगे, हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि बालों को हम कलर करें, लेकिन डरते भी हैं कि बाल डैमेज हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही भी है डरना, क्योंकि बाल सच में कलर से ख़राब होते हैं। तो हम अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट से अपने बालों को कलर करेंगे तो बाल ख़राब भी नहीं होंगे, डैमेज भी नहीं होंगे और हमारे बाल और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो आप, मैं जो बताती हूँ, अगर उसमें आप सिर्फ चुकंदर ऐड कर देंगे तो आपको बरगंडी कलर मिल जाएगा, लेकिन मुझे बालों को अभी कलर नहीं करना था, बस बालों को मॉइस्चराइज़ करना था, नरिश करना था और बालों को झड़ने से बचाना था, जड़ों से मजबूत करना था। तो मैं ये हिना पैक बना रही हूँ, तो चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। हिना पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम मेहंदी को भिगाने का पानी रेडी कर लेंगे। 2 गिलास पानी डालना है। 2 गिलास पानी में हम 4 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इससे हमारे बाल मजबूत होते हैं और बालों में हल्का कलर भी आता है इससे। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 लौंग। लौंग हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लौंग ज़रूर डालें। अगर आपके पास लौंग का तेल होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसमें डालेंगे सिकाकाई, 5 से 6 पीस डालना है। सिकाकाई से हमारे बालों की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। अब हम इसमें डालेंगे आंवला। आंवला हमारे बालों को प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम को दूर करता है और आंवला में विटामिन सी होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और मैं अब इसमें डालूंगी नागरमोता। नागरमोता हमारे बालों को हेल्दी करता है, शाइनी करता है और हमारे जड़ों की प्रॉब्लम को दूर करता है, जड़ों से बालों को मजबूत करता है। इन सब चीज़ों को मैं 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल करूँगी ताकि सारी चीज़ों के बेनिफिट्स जो है ना पानी में अच्छे से मिल जाए। जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताई वो आसानी से पंसारी की शॉप पे मिल जाएंगे, आसानी से अवेलेबल होती है। और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। अच्छे से पक गया है, अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। यह है मेहंदी, खुली मेहंदी है ये। ये भी आपको आसानी से कोई भी शॉप पर मिल जाएगी या फिर आप इसको भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और अब मैं इसको भिगाऊंगी इसी पानी से। इसी पानी को मैं पहले छान लूंगी। हल्का गुनगुना है अभी ये और इसको हम ठंडा होने नहीं देंगे और इसी मोमेंट में इसको छान कर मेहंदी को भिगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है, आप मेहंदी कम ज़्यादा कर सकते हो और लेकिन ये चीज़ें जो है वो आपको कंपलसरी डालना है, कोई भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका थिक पेस्ट बनाना है मेहंदी का, क्योंकि नेक्स्ट डे हम इसमें 2 अंडे भी ऐड करेंगे तो इसी वजह से हमको इसका थिक पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि हमको स्मूथ पेस्ट बनाना है, लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, लेकिन मेहनत का फल जो है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। बस इसी तरह का पेस्ट चाहिए, बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं।
और ये कल तक भीग कर और अच्छी हो जाएगी। तो अभी हम इसको ढाप के रख देंगे। और कोशिश कीजिए कि मेहंदी को आप लोहे की कढ़ाई में भिगाएंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तब आप क्या करेंगे, तो मेरी तरह 3-4 खिले लेंगे, खिले लोहे के है ये, तो मेरे पास लोहे की कढ़ाई अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें खिले ऐड कर दूंगी और इसी तरह से छोड़ दूंगी। इसका जो भी आयरन है ना ये सब मेहंदी में छूट जाएगा। और मैं इसको अभी ढाँप कर रख दूँगी, ओवरनाइट छोड़ना है। कल सुबह से दोपहर तक भी मैं छोड़ूंगी और दोपहर में अपने बालों में इसको अप्लाई करूंगी। और इस बचे हुए पानी को भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम ढाँप के रख लेंगे क्योंकि अगर कल मेहंदी थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो ये काम में आएगा। हेयर पैक हमारा अच्छे से बन के रेडी हो गया है। इसको अप्लाई किस तरह करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप कोई भी DIY या फिर अपने बालों में हिना अप्लाई कर रहे हो तो आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, तो आफ्टर वॉश ही आप अपने बालों में मेहंदी को अप्लाई करेंगे। अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई करने से पहले इसमें 2 अंडे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे से अपने स्कैल्प से लेकर टिप्स तक बालों में अप्लाई करना है मेहंदी को। मेहंदी को अप्लाई करने के बाद उसको कवर कर देना है, या फिर आप कोई भी पॉलीथीन कवर से करिए या फिर शावर कैप से करिए, लेकिन बालों को कवर बहुत ज़रूरी है करना, नहीं तो हमारे बाल ड्राई हो जाएंगे। मेहंदी ड्राई होकर बालों को डैमेज कर सकती है, बाल हमारे टूट सकते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि हम बालों को कवर कर दें। उसके बाद आपको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। आप चाहो तो हल्का गुनगुना पानी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल वाटर से आपके बालों को इतना अच्छा वॉश करना है कि बालों में थोड़ी सी भी मेहंदी बाकी ना रहे, और शैम्पू बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद बालों को एयर ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे। सूखने के बाद आपको ऑयलिंग करना है, फुल मसाज करना है। ऑयलिंग करने के बाद आपको ओवरनाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट डे आप करेंगे शैम्पू, शैम्पू कर सकते हो, कंडीशनर कर सकते हो। और मेहंदी लगाने से पहले जितना ख्याल रखना होता है ना, लगाने के बाद भी उतना ही ख्याल रखना होता है, तभी हमारे बाल बहुत हेल्दी होंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। 27 को मेरा गिव अवे अनाउंसमेंट होने वाला है, और मेरे तमाम फ्रेंड्स को, तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे तमाम व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा कामयाब रखे, कामयाबी दे। 2022 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।